एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। और अभी जो है वीडियो का स्टार्टिंग करने जा रही हूँ। पहले ही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर आए हो और अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कुछ भी नहीं कटता है। कुछ भी वीडियो में कोई भी पार्ट आप लोगों को पसंद आता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो उसको माफ़ कर सकते हो। कुछ भी चीज़ आप लोगों को सीखने को मिली हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। कोशिश करूँगी और बेटर से बेटर व्लॉग बनाने की, ताकि आप लोगों को पसंद आए और आप लोग मेरे वीडियो से कुछ सीख सकें। आगे मेरी व्लॉग में यही कोशिश रहेगी। खुश रहना ही सीख लीजिए, ये भी बहुत बड़ी बात है ना, कि हर एक का काम को अकेले करके मैनेज करना, ये सब कुछ करना, वो ही सीख लीजिए, वो भी बहुत है। तो ऐसे ही चलिए फिर करते हैं इस व्लॉग की व्लॉग की स्टार्टिंग, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पार्टी के लिए पास्ता, क्योंकि उसको पास्ता खाना है। पानी गर्म रख दिया है मैंने अभी इसमें, और यहाँ पे बन रही है चाय। सूजी के खीर, चावल के खीर और दलिया वलिया सारी चीज़ें बहुत खा लेते हैं। मैंने सोचा चलो आज बनाते हैं मखाने की खीर। तो उसके लिए मैंने अभी दूध मंगवाया, मेरे मखाने गिर भी गए, पैकेट में से ही मैं डाल रही थी तो पैकेट में से बाहर निकल गए। तो थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा ना दलिया था, ये बहुत ही थोड़ा सा था, वो मैंने इसमें डाल दिया। मैंने कहा चलो बन जाएगा, इतना थोड़ा सा वीरान तो होगा नहीं और ये अकेला बनेगा नहीं, तो चलो मखाने की खीर के साथ में इसको डाल देते हैं। तो मखाने की खीर बनाने का सबसे अच्छा जो ये है कि इसको कढ़ाना होता है बहुत ज़्यादा ही। जितनी ये कढ़ेगी दूध में डाल के, जैसे मखाने उबल जाएंगे फिर ये कढ़ते रहेंगे, जितनी ये कढ़ती रहेगी उतनी जो है ये टेस्ट लगती है। इसको का गाढ़ापन और इसको और क्रीमी बनाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है मिल्क पाउडर, और जिससे कि इसमें और ही ज़्यादा जो है वो क्रीमी हो जाएगी। और मैंने फुल फैट जो है वो दूध लिया था, मतलब मलाई सीधा ही दूध मैंने इसमें डाल दिया था। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास में बादाम है और पिस्ता है, दो ही चीज़ें हैं, काजू नहीं है। और मखाने तो मैंने डाल ही दिए हैं, मखानों की तो खीर ही बन रही है। तो कोई नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपको डालनी है, जो आपके पास है वो डाल लीजिए। खीर सच में बहुत टेस्टी लगती है, मतलब मुझे तो सबसे अच्छी खीर जो है यही पसंद आई थी। मुझे तो इतनी अच्छी चावलों की खीर भी नहीं लगी जितनी कि ये मखाने की खीर लगती है। पर वही है कि इसको आप जो दूध है वो बिल्कुल, हमारे यहाँ पर जैसे बोलते हैं कि नीकड़ू दूध होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए दूध में, और उसको कढ़ाते रहिए और फिर आप उसमें जो है मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, जिससे कि वो और ज़्यादा क्रीमी हो जाती है। तो मेरी जो आप लोग देख सकते हो काफ़ी हद तक जो है खीर मेरी जो दूध है वो कढ़ चुका है। मैंने इसमें डाल दी है चीनी, तो बस वो भी इसमें जो है वो घुलती रहेगी और खीर जब बन के रेडी हो जाएगी ना, मेहनत का फल मिलेगा जब हम इसको खाएँगे, टेस्ट करेंगे। अभी जो है मैं अपना फेस वॉश करने जा रही हूँ मामा अर्थ एलोवेरा फेस वॉश विद एलोवेरा एंड अश्वगंधा। तो ये जो फेस वॉश है ये मेरे लिए बहुत ही कारगर हुआ है, क्योंकि ये जो मौसम चल रहा है इसमें ना मेरी स्किन पे, मेरे चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है और डिहाइड्रेशन होता है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। तो ये फेस वॉश मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ है। गर्मियों में मतलब आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाती है, जो ये वाली गर्मी चल रही है इसमें। और बस आप बिफ़ोर एंड आफ्टर मेरे चेहरे पे जो है वो रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सा आपके चेहरे पर ग्लो लेकर के आता है, आपके चेहरे की जितनी भी डलनेस है उसको दूर करता है। तो आप खुद ही लाइव रिज़ल्ट देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा सा जो है मेरे एक चेहरे पर एक ग्लो सा आया है। और अभी मैं अपने चेहरे पर यूज़ करने जा रही हूँ मामा अर्थ एलोवेरा ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र। ये ऑयल फ्री है, जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी जो स्किन है वो ऑयली है, तो ये ऑयल फ्री और बहुत ही अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, स्टिकी नहीं है बिल्कुल भी। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और एक अच्छा सा ग्लो आता है इसको लगाने के बाद में, और शाइनिंग भी आती है आपके चेहरे पर। और एक ये है मामा अर्थ एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइज़र। तो ये दो वेरियंट में है, एक जेल फेस मॉइस्चराइज़र है, एक ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र है, तो दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। तो मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो नेचुरल होते हैं, हार्मफुल केमिकल से फ्री होते हैं और प्लास्टिक पॉजिटिव होते हैं। मामा अर्थ जो है एक इंडियन ब्रांड है और सारे ही प्रोडक्ट जो हैं वो मामा अर्थ के इंडिया में ही बनते हैं।
अगर आपको चाहिए 20% का ऑफ तो मेरा कूपन कोड यूज कीजिए PAK2022। मैंने स्क्रीन पर भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ये प्रोडक्ट अवेलेबल है ममा अर्थ, अमेजोन, नायका, पर्पल और फ्लिपकार्ट पर। ममा अर्थ ने अपना एक ऐप भी लॉन्च किया हुआ है जहाँ पे कुछ ना कुछ सेल्स और डिस्काउंट जो है वो चलते रहते हैं। और जो मैंने आपको कूपन कोड दिया है वो सिर्फ वैलिड है ममा अर्थ की वेबसाइट पर और उनके ऑफिशियल ऐप पर। और हाँ, सबसे अच्छी एक और बात है, जब भी हम कोई प्रोडक्ट ममा अर्थ से ऑर्डर करते हैं तो हमारे उस ऑर्डर को वो लिंक कर देते हैं एक ट्री से, जिसकी लोकेशन बाय पिक्चर और स्पाइस आपको सेंड कर देते हैं। तो ये है ममा अर्थ एलोवेरा फेस वॉश विद एलोवेरा एंड अश्वगंधा, जो कि फॉर यूथफुल ग्लो, आपके चेहरे पर एक अच्छा सा ग्लो आता है। और ममा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टी होते हैं और पैराबिन एंड SLS फ्री है, और किसी की स्किन जैसी भी है उसके लिए सूटेबल है। ऑयली है, सेंसिटिव है, हर स्किन के लिए ये सूटेबल हैं। तो अगर हम बात करते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें मेन तो वही है, इसमें ग्लिसरीन है और एलोवेरा है, अश्वगंधा है, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें जो है वो मिले हुए हैं। और अगर बात करते हैं ममा अर्थ एलोवेरा ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विद एलोवेरा एंड अश्वगंधा, जो कि 24 घंटे आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है फॉर यूथफुल ग्लो, और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, आपकी स्किन में बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। लाइट वेट फॉर्मूला मेड सेफ, सूट्स ऑल स्किन टाइप्स। और अगर इसके भी इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें भी एलोवेरा है, अश्वगंधा है, ग्लिसरीन है, ब्लैक ओट सीड्स एक्सेट्रा, तो बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें भी मिलाए हुए हैं। और एक है ये ममा अर्थ एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइजर विद एलोवेरा एंड अश्वगंधा फॉर यूथफुल ग्लो। ये जो मॉइस्चराइजर है वो ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर है, और एक है ये ममा अर्थ एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइजर, तो ये भी विद एलोवेरा एंड अश्वगंधा यूथफुल ग्लो, आपके चेहरे पर एक अच्छा सा ग्लो आता है। ये तो आप सब जानते ही हो कि जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ममा अर्थ के, वो सभी प्लास्टिक पॉजिटिव होते हैं। तो अगर आप लोगों को भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो इन सभी प्रोडक्ट के जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। मैंने इसमें कढ़ाई में डाला है विम जेल, और ये मेरे सारे जो पूजा के बर्तन हैं वो हैं, मैं इनको भी गर्म पानी में डाल रही हूँ क्योंकि जो भी इनमें चिकनाहट है, जो भी वो है, वो सब निकल जाए। साफ पानी लिया है बिल्कुल, और इनको सबको मैंने जो मेरा दिया है बड़े वाला उसको भी मैंने खोल के इसमें डाल दिया है। काफ़ी टाइम हो गया था, मैं दूसरे पूजा के बर्तन अपने यूज़ कर रही थी, मेरे पास में पीताम्बरी नहीं थी। मैं कई बार इनको बोल चुकी थी कि पीताम्बरी ला दो, तो जैसे ही जो है पीताम्बरी आ गई वैसे ही जो है मैं इनको अभी करने वाली हूँ साफ। तो ये मैंने नए वाला जूना ले लिया है, ये गर्म ही है, और ये पीताम्बरी से मैं अच्छे से इनको क्लीन कर लूँगी। और पीताम्बरी से साफ करने से जो है आपके तांबे के, पीतल के जो भी बर्तन होते हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ हो जाते हैं, और बहुत ही इजी तरीका मुझे ये लगता है पीतल और तांबों को साफ करने का। और यहाँ पे बात करते करते आप लोगों से, हमारी जो खीर है वो भी तैयार हो गई है, मैं डाल रही हूँ गोपाल जी को भोग लगाने के लिए और अपने तीनों के लिए। आज हमारा बस खाना ऐसा ही बना, शाम के टाइम में मांटू के लिए पास्ता बना दिया था, उसी में मतलब हम सब लोग, हम दोनों का भी हो गया। फिर मैंने जो है ये खीर बना ली, रात में एक गिलास दूध ले लेंगे, तो शाम के टाइम में इतना बहुत है। तो आप लोग देख सकते हो जो मेरे पूजा के बर्तन हैं वो भी क्लीन हो चुके हैं सारे, बहुत बढ़िया तरीके से चमक चुके हैं। अब हम कल सुबह में इन्हीं से पूजा करेंगे। फाइनली, जैसे कि हमारा मन था सीताफल और पूरी खाने का, आज हमने बना ही ली है। सुबह उनको लंच में रोटी दे दी थी, पर सीताफल मैंने सुबह ही बना लिया था। ये छोटी सी मेरी कढ़ाई है, इसमें पूरी बहुत अच्छी बनती है, वैसे जल गई है, साफ हो नहीं पाती अच्छे से, पर इसमें पूरी बहुत अच्छी बनती है। तो मांटू को मैंने दे दी है, उसने खा ली, अभी मैं अपना खाना पीना खा के और फिर जो है कुकू को नहलाऊंगी, उसको भी नहलाना बाकी है अभी। एक एक पूरी छोटी छोटी, क्योंकि देखिए हम दोनों ही जने खाएंगे, मैं और पाकी, पाकी को मैंने दे दिए, अपने लिए बना रही हूँ मैं बस, तो हो गई। और ये है इसमें सब्जी, पाकी को दी थी, इसी में से मैं भी खा लूँगी अभी।
फूल जा फूल जा फूल जा फूल जा फूल जा फूल जा फूल 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 फूली 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 रोडी जी कैसा रहेगी फूल भी मेरा बंदर अरे मेरा जान अरे मेरा सूरज हाँ खेलते हो आप ऐसे ऐसे खेली खेली करते हो खेली खेली करते हो आप ऐसे है चन्नु है नन्नु है नन्नु है नन्नु हाँ नन्नु हाँ नन्नु खेलोगे आप ऐसे ऐसे खेलोगे आप हाँ मीरा नायू खेलेगा अभी थोड़ी सी देर जब तक मम्मा चाय बना के पीती है ठीक है पिए ने बना ले चाय चाय पी ले मम्मा मम्मा पी ले चाय हाँ मम्मा पी लो मम्मा पी लो मना नहीं कर रहा हूँ मैं पी लो आप चाय हाँ हाँ अभी ना ये थोड़ा थोड़ा सा वो करने लगी है देखने लगी है हंसने लगी है और थोड़ा सा खेलती भी है तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ में भी काम तो अपनी जगह है पर इसके साथ में इसकी ये जो चीज़ें हैं ना ये जो पल हैं वो वापस नहीं आएंगे तो मैं हर एक चीज़ को इसके साथ में फुल इन्जॉय भी करती हूँ। और पूजा पूजा बीच बीच में आके ना मम्मा मुझे खिलाती है और खेलती रहती है मेरे साथ। तो जी चलो अभी मैं चाय पी लेती हूँ बना के। तो मैं जा ही रही थी मैंने सोचा कि चलो ये लेट जाएगी पर ये नहीं लेटी। मैंने सोचा चलो पहले इसको ही सुला देती हूँ। इसको नींद आ रही थी इसी वजह से ये रो रही थी और मुझे भी आला सारा है जब आप बच्चे को सुलाते हैं तो आपको भी नींद आने लगती है। मैंने सोचा कि चलो इसको सुला देती हूँ जब भी जाऊँगी। इसको नींद भी आ रही है और मैडम को सोना भी नहीं है। देखो एकदम से अब भी जग जाएगी नहीं सोना बिल्कुल भी। मैं सोची थी इसको सुला के देखो आँखें बंद है नींद आ रही है इसको पूरी तेज़ वाली पर गोदी में बच्चा अच्छे से सोता है बेड पे लेट के पता नहीं कैसे आंखें खुल जाती हैं। देखो हमारी बच्ची कितनी ज़्यादा समझदार हो गई है। देखो अपने कपड़े खुद से लगा रही है। पाखी मांटू वेरी गुड आज अपनी बुक वाली अलमारी भी सेट करनी है ठीक है बस इसमें लगा लो इसे अच्छे तरीके से तो बास्केट में कपड़े सही तरीके से रहना है लगा लो अच्छे से ठीक है अलमारी में इसे रख दियो। मुझे तो भी ये वाले कपड़े तो प्रेस पे जावेंगे और ये वाले जो कपड़े हैं इनको लगाना है मुझे तह। अभी तो मेरा पोचा भी रह रहा है पैर और क्या पहनेगी ठीक है ओके सर्दियों की टेंशन ले ले तू पहले। अभी मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा है बहुत ही बढ़िया हो रहा है। बारिश होने को है पता नहीं होगी या नहीं होगी पर हाँ मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश होगी। और मुझे जो है ना सच में यार हम बोलते ही नहीं कि ये यूट्यूब फैमिली जो है वो हमारी फैमिली है ये है हो सच में क्योंकि जब छोटी बड़ी चीज़ों का आप ध्यान रखते हो बिल्कुल है ना और इस तरीके से कर मतलब कोई भी चीज़ हम ऐसी करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए उस चीज़ पर आप हमें रोकते टोकते हैं तो भैया फैमिली ऐसी ही होती है फैमिली है ना। और देखिए मैं मेरी अलमारी जो है ये बिल्कुल टूट गई है पर इसको जो है मैं ठीक कराऊंगी पर ये अलमारी मैं अपने पास ही रखूंगी हमेशा। किस लिए वो इसलिए क्योंकि ये मेरे पापा की निशानी है मेरे पापा ने दी थी तो इसको हम कहीं नहीं जाने देंगे इसका मैं लॉक ठीक कराऊंगी तो इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि मैंने ना जैसे बैठ के पोछा लगाया मैं काम करती हूँ तो उस पर ना आप ही लोग कमेंट करते हो कि दीदी आपके तो इतना टाइम नहीं हुआ है आप अभी से इतना काम करने लगे हो आप बैठ के पोछा लगाते हो आप ये करते हो वो करते हो तो आपकी बात बिल्कुल वो है पर मैं क्या करूँ यहाँ पे कोई हाउस हेल्पर नहीं मिल रही है गाँव में कोई भी नहीं है और ऐसा कोई है नहीं जो मेरे साथ में मतलब इस तरीके से घर में तो मैं अकेली ही हूँ तो देखिए काम तो सारे करने पड़ते हैं। जितना हो सकता था मैंने बिचाया है
पोछा फिर भी लगाया है, चाहे मोप से लगाया हो चाहे जैसे भी लगाया हो, अभी वो होने लगा है। दर्द होता है मुझे, जो मेरे स्टिचेस हैं उसमें खिंचाव भी होता है, और जब मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ ना तो उनमें दर्द भी होता है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि मुझे दर्द नहीं होता या कुछ नहीं, पर क्या करें, जब अकेले हैं तो देखिए करना तो है ही। और यही होता है कि अगर साथ में आपके कोई है फैमिली, जैसे मम्मी है ना, मम्मी वहाँ पे रहती हैं, अगर मम्मी मेरे पास में होती या हमारे साथ में रहती तो ये हो जाता कि हेल्प हो जाती है ऐसी थोड़ी। देखो मैं पोछा हो जाता हूँ, मम्मी से नहीं लगवाती फिर भी, पर हाँ ये है कि थोड़ी बहुत तो देखिए कामों में हेल्प हो जाती है। और एक बात और भी है, अगर मम्मी मेरे साथ में होती यहाँ पे रहती तो वो करने भी नहीं देती, ये भी बात है। मम्मी मतलब कि मुझे ये सारे काम इतनी जल्दी करने भी नहीं देती, मना ही करती कि अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, है ना। तो इसीलिए, और हर चीज़ में जैसे आपके पेरेंट्स आपको रोकते टोकते हैं, वो आपके सही के लिए ही रोक। अब हम अकेले हैं, हमारी जो मर्जी में आए, हमें कोई काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें नहीं है, हम कर लेते हैं। पर अगर उसी जगह हमारे बड़े या हमारे मेरे, जैसे कि मेरी सास है, अगर वो मेरे पास होती तो वो मुझे रोकती टोकती, नहीं अभी ये काम सही नहीं है, अभी वो नहीं है, तो अगर वो मेरे पास होती तो वो मुझे इन सब कामों के लिए रोकती टोकती, मना करती कि नहीं ये अभी मत कर होकर, तो ऐसे। और जिस तरीके से वो करती उसी तरीके से आप लोग भी कमेंट करते हो कि दीदी अभी इतनी जल्दी ये सब मत करो, आपको परेशानी होगी, ये होगा वो होगा, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए, और आप इतना सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कभी भी मेहनत करने से नहीं डरती हूँ बिल्कुल भी, मुझसे कितना ही कोई काम करा ले। और जैसे कि मेरे दोनों चैनल हैं, मैं अपने दोनों ही चैनलों पे बिल्कुल रेगुलर होने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सुबह 10:30 बजे अपना उस पर व्लॉग, और मेरा रात को 8 से 8:30 के बीच में इस वाले चैनल पर व्लॉग, 10:30 से 11 के बीच में मेरे दूसरे वाले चैनल पर व्लॉग, मुझे डेली डालना ही डालना है। मतलब ये मैंने एक प्रण लिया है जिसको कि मैं चाहे जो हो जाए मेरे दोनों ही चैनलों पे डेली वीडियोस जाया ही करेंगी। जब ज़्यादा ही वो हो जाएगा, बिल्कुल मतलब बननी ही नहीं है, तबीयत ही ज़्यादा ही ख़राब हो गई या कुछ सिचुएशन ही ऐसी हो गई, तो चाहे वीडियो ना जाए पर जब तक मतलब कि वो है, जब तक मेरे चैनलों पे दोनों पे वीडियो जाएंगी। क्योंकि मैंने बोला ना जैसे कि मैं काम करने से बिल्कुल भी नहीं घबराती, मुझे तो और काम करना ये सब करने से ना खुशी मिलती है, एक संतुष्टि सी मिलती है कि हाँ प्रिया तूने अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट किया है। तो चलिए बातचीत हो गई है बहुत ज़्यादा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार साथ सपोर्ट करने के लिए। मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए।